हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6D क्लास 8 RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक से क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बुक में गिवन है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 से, जिसमें गिवन है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले एज वी नो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो ए की जगह में क्या मिल रहा है एक्स, और बी की जगह में क्या मिल रहा है वन। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़ रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन ही हो जाता है, इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वन एज इट इज़ है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगेन हमें क्या सिचुएशन मिल गई है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके फ्रेंड्स, देन क्या हो जाएगा, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बार ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी और बी सेम है वन। ओके, तो हमें यहाँ पे ए स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की जगह में एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया माइनस में बी स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एक्स की पावर टू इंटू टू दैट मीन्स फोर माइनस में ए की पावर टू वन की पावर टू इज इक्वल टू वन। तो ये आ गया है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर, एक्स की पावर फोर माइनस वन। यहाँ हम साइड में दे सकते हैं, जब ए की पावर एम की होल पावर एन होता है तो क्या हो जाता है, ए की पावर एम इंटू एन, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। कम्प्लीट जो सोल्यूशन है आप देख रहे हैं वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स इस जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये, इसका हमने शॉर्ट्स भी अपलोड किया है, शॉर्ट बनाकर अपलोड किया है चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें आपको 30 सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स में ही सोल्यूशन जो है बता दिया जाता है, ताकि वो कम टाइम में आपको ईज़िली जो है एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है उसका हिंट मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।